स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कंपास करेंगे और मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं वो करने की, देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। पिछली क्लास में जैसा आपको याद होगा कि हम कंपास सर्वेइंग में मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़ रहे थे और कंपास सर्वेइंग में का बेसिक्स कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो मेरिडियन है, टाइप्स ऑफ मेरिडियन है, बेरिंग्स है, टाइप्स ऑफ बेरिंग्स हैं, और जो यानी कि डिक्लिनेशन है, फोर बेरिंग है, बैक बेरिंग है, होल सर्कल बेरिंग है, रिड्यूस्ड बेरिंग है, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ रहे थे। अब आगे फिर हम देखेंगे कि और कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो पिछली क्लास से हम इसको शुरुआत करते हैं, जैसा कि फोर बेरिंग और बैक बेरिंग। फोर बेरिंग जैसा मैं आपको बतलाया था, आप देखे भी होंगे कि फॉरवर्ड बेरिंग यानी कि सर्वे लाइन, सर्वे के डायरेक्शन में जो बेरिंग ली जाती है, सर्वे लाइन के डायरेक्शन में जो बेरिंग ली जाती है वो फोर बेरिंग कहलाती है, और सर्वे लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में जो बेरिंग ली जाती है वो बैक बेरिंग कहलाती है। फॉर एग्जांपल, ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, इन दोनों के दरमियान में लाइन है, ठीक है। तो ये जो बेरिंग है ये फोर बेरिंग है, और ये जो बेरिंग है ये बैक बेरिंग है। अब ये होल सर्कल, होल सर्कल बेरिंग के सिस्टम में आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि इस डायरेक्शन में जो भी बेरिंग ली जा रही है ये फोर बेरिंग होगी, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी बेरिंग ली जा रही है वो बैक बेरिंग होगी। ठीक इसी तरीके से आगे के जितने भी स्टेशंस हैं वो सब के सब ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखकर लेकर अगर समझने की कोशिश करें तो ऐसे होगा कि अगर ये वैल्यू फॉर एग्जांपल ये 0 90 ये 180 इसके दरमियान में, 90 मतलब ये फॉर एग्जांपल 110 डिग्रीज 30 मिनट्स, ठीक है, 110 डिग्रीज 30 मिनट्स। और मैं आपको क्या बताया था, बैक बेरिंग इज इक्वल टू फोर बेरिंग प्लस आर माइनस 180 डिग्रीज। प्लस कब, जब फोर बेरिंग लेस देन 180 डिग्रीज, ये पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। माइनस कब है, जब फोर बेरिंग इज ग्रेटर देन 180 डिग्रीज, ठीक है। अब 110 डिग्रीज 30 मिनट्स है, 110 डिग्रीज 30 मिनट्स 180 से कम है, तो हम क्या करेंगे, बैक बेरिंग मालूम करना है, तो बैक बेरिंग इज इक्वल टू फोर बेरिंग प्लस 180 करेंगे, क्योंकि फोर बेरिंग 180 से कम है। तो 180 डिग्रीज प्लस 110 डिग्रीज 30 मिनट्स, ये कितना होता है, ये 30 मिनट्स। अब इसको कैलकुलेटर पे कीजिए, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर ऐप पे आपको करना चाहिए, ये 290 डिग्रीज 30 मिनट्स। देखिए यहाँ पे भी आप देखिए, आप ये 0 90 180 270 से ऊपर ही है, 290 डिग्रीज 30 मिनट्स। इस तरीके से आपको बेरिंग आ जाएगी, और कोई भी जैसा भी आपका बेरिंग का मामला है, ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, ये बेरिंग रिड्यूस बेरिंग या क्वाड्रेंटल बेरिंग, ये हिसाब से देख रहे हैं, ये कितना है 30 डिग्रीज या 45 डिग्रीज 20 मिनट्स, ठीक है। तो फोर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी
इज इक्वल टू नॉर्थ, अब ऐसा लिखेंगे ना इसमें रेडियस बेयरिंग में, नॉर्थ 45 डिग्रीज 20 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। तो अब ये कितना होगा, अब यहाँ पे रेडियस बेयरिंग का कहाँ, ये बैक बेयरिंग कैसे होगा, यहाँ से होगा। बैक बेयरिंग कहाँ से होगा भाई, यहाँ से होगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें रिड्यूस बेयरिंग में जो बेयरिंग है फोर बेयरिंग वही बैक बेयरिंग होगी, सिर्फ क्वाड्रेंट चेंज होगा। ये क्योंकि देखिए आप ये स्ट्रेट लाइन है, अपोजिट एंगल्स हैं, अगर आप मैथमेटिक्स के हिसाब से आप देखें तो ये अपोजिट एंगल्स हैं, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये तिरछी लाइन, ये जो एंगल है ये भी वही एंगल है, तो ये भी 45 डिग्रीज 20 मिनट्स होगा। लेकिन कैसा लिखा जाएगा, बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू ये साउथ, साउथ 45 डिग्रीज 20 मिनट्स साउथ वेस्ट, साउथ 45 डिग्रीज 20 मिनट्स वेस्ट। तो यहाँ पे जो भी बेयरिंग है, फोर बेयरिंग है या बैक बेयरिंग है, इसमें वैल्यू सेम रहेगी लेकिन क्वाड्रेंट्स चेंज हो जाएंगे। क्या चेंज हो जाएंगे, क्वाड्रेंट्स चेंज हो जाएंगे। अगर इसको और मैं एलाबोरेट करूं तो यहाँ पे देखिए आप, फॉर एग्जांपल इधर एक और एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो बेयरिंग होगी ये इस तरह से होगी बेयरिंग, अगर ये बेयरिंग है 30 डिग्रीज 20 मिनट्स की, ठीक है, तो यहाँ क्या उसी बेयरिंग होगी, यहाँ ये वे वाली बेयरिंग होगी। इसका कैसा लिखा जाएगा, लिखा जाएगा फोर बेयरिंग ऑफ लाइन, ये क्या है बीसी, बीसी इज इक्वल टू साउथ 30 डिग्रीज 20 मिनट्स साउथ ईस्ट, और बैक बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी इज इक्वल टू ये कौन है, सेम चीज़ है 30 डिग्रीज 20 मिनट्स, ठीक है। मगर कैसा लिखेंगे, नॉर्थ वेस्ट 30 डिग्रीज 20 मिनट्स वेस्ट। तो यहाँ पर भी जो क्रिटिकल चीज़ है वो क्वाड्रेंट्स है। ये इससे आपको मालूम हो रहा है कि फोर बेयरिंग क्या है, बैक बेयरिंग क्या है और दोनों में क्या फ़र्क है ये महसूस हो रहा है। उम्मीद है कि फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग बहुत और यानी कि और अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपको दे दिए गए हैं। स्टूडेंट्स एक और एक टॉपिक है लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन किसे कहते हैं, लोकल अट्रैक्शन का मतलब जो कंपास है हमारा, कंपास में जो हमारा डिस्क है जो पाइवेट होता है यानी कि जो झूलता है उस पर, पाइवेटेड यानी कि जो स्टैंड है जिस पर कंपास लगा होता है और कंपास के साथ जो डिस्क लगा होता है, जब वो बैलेंस रहता है, जब वो सही रहता है उस वक्त वो नॉर्थ और साउथ बताना चाहिए। जब हम कंपास को सेट करते हैं, टेम्प्रेरी एडजस्टमेंट्स करते हैं, उसको टेढ़ा होने नहीं देते हैं, वो बिल्कुल फ्लैट रहता है, उस वक्त क्या होना है, जब फ्रीली मूविंग जब वो है उस वक्त क्या होना है, वो ज़मीन के नॉर्थ और साउथ के तरफ वो अपना डायरेक्शन बतलाना है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या मैग्नेटिक मटेरियल आसपास होने की वजह से या वहाँ पे जियोलॉजिकल कंडीशन ऐसी है कि वहाँ पे जो है आपके ज़मीन में मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, मटेरियल है, या हमारे आसपास हमारे पास मेटल के चीज़ें हैं जैसा कि घड़ी है या चाबी है या कोई और दूसरी चीज़ है मेटल की है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ उसमें मौजूद हैं। तो होता क्या है, ये मैग्नेटिक मटेरियल जब कंपास के आसपास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उस वजह से जो सही नॉर्थ और साउथ है उस वक्त उस तरफ कंपास शो नहीं करता।
इस कंडीशन को, इस फिनोमिनन को लोकल अट्रैक्शन कहते हैं। लोकल अट्रैक्शन का मतलब कंपास बिल्कुल सेट होने के बाद नॉर्थ और साउथ बतलाने के बजाय थोड़ा सा डिविएट हो रहा है। क्यों डिविएट हो रहा है? क्योंकि वहाँ आसपास कुछ लोकल आपके मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट हो रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से। उस असर में, उस इफेक्ट की वजह से अगर कंपास में डिविएशन हो रहा है तो उस डिविएशन को लोकल अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर आप ये चीज़ समझ गए हैं तो फिर हम इसको ये मालूम करेंगे लोकल अट्रैक्शन कहाँ है या नहीं है। ये कैसे मालूम करेंगे? ये ऐसे मालूम करेंगे कि फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस, जैसा अभी मैं आपको बताया था, अभी हम डिस्कस करें और एक छोटा सा प्रॉब्लम की तरह भी करें, है कि फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का जो डिफरेंस है वो 180 डिग्रीज रहता है। ठीक है, तो अगर 180 डिग्रीज से नहीं हो रहा है तब आप समझेंगे कि यहाँ लोकल अट्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोर बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी, फोर बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी 60 डिग्रीज 30 मिनट्स, ये आप कंपास रख के मालूम करें, यानी कि स्टेशन ए से स्टेशन बी को देखें, स्टेशन ए से स्टेशन बी को देखने पर ये जो बेयरिंग आया, ये वाला जो बेयरिंग आया वो 60 डिग्री 30 मिनट्स आया। ऑब्जर्व फोर बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री 30 मिनट्स। ऑब्जर्व बैक बेयरिंग, जब बी पे जाके ए को देखे तो क्या रीडिंग आई? ऑब्जर्व बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू 240 डिग्रीज 0 मिनट्स, 240 डिग्रीज 0 मिनट्स, ऐसा रीडिंग आई। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन है या नहीं, कैसे मालूम करेंगे हम? कैलकुलेटेड बैक बेयरिंग क्या है? कैलकुलेटेड बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू फोर बेयरिंग प्लस आर माइनस 180 डिग्रीज। ठीक है, ये फार्मूला तो याद होंगे आपके, अभी हम पढ़े थे। तो 60 डिग्रीज 30 मिनट्स, 60 डिग्रीज 30 मिनट्स 180 से कम है तो प्लस 180 डिग्रीज। ठीक है, ये क्या होता? 240 डिग्रीज 30 मिनट्स, ये होना चाहिए, ये रीडिंग आना चाहिए था लेकिन ये नहीं आई। 240 डिग्री 30 मिनट्स आने के बजाय 240 डिग्रीज आ गया 0 मिनट्स। तो ये 30 मिनट्स आप आना चाहिए, नहीं आया, नहीं आने के वजह से आप ये समझ जाएंगे कि यहाँ लोकल अट्रैक्शन है। यहाँ पे क्या है? लोकल अट्रैक्शन है। इस तरीके से ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। हम क्या करेंगे? कौन कौन से स्टेशंस पर लोकल अट्रैक्शन है, कौन कौन से स्टेशन लोकली अट्रैक्टेड है, कौन कौन से स्टेशन लोकली अट्रैक्टेड नहीं है, ये मालूम करने का तरीका ये है कि आप फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस मालूम कीजिए, वो 180 डिग्रीज आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो 240 डिग्रीज 0 मिनट्स, 60 डिग्रीज 30 मिनट्स, इसका आप डिफरेंस निकालिए या ऐसा कैलकुलेट करके देखिए। ठीक है, तो क्या होना है, क्या होना है बोलिए? वो 180 डिग्रीज आना, 180 डिग्रीज ऐड करें तो ये जो ऑब्जर्व बेयरिंग है वो आना, अगर नहीं आ रही है तो ये लोकली अट्रैक्टेड है, ये 30 मिनट्स और ये क्या है 6, देखिए अब 180 डिग्रीज 30 मिनट्स आ रहा, ऐसा नहीं आना ना, जब दोनों का डिफरेंस आप निकालते 180 डिग्री 30 मिनट्स आना, ये नहीं आना,
180 डिग्रीज ही आना, 0 मिनट्स आना, तो ये ऐसा नहीं आ रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, लोकल अट्रैक्शन। अब ये इसका क्या फ़ायदा है, ओपन ट्रैवर्स जैसा आप करे हैं लैब में और थ्योरी में भी हम पढ़ रहे हैं, और क्लोज ट्रैवर्स हम किए हैं लैब में और क्लोज ट्रैवर्स एक इमारत की तरफ भी किए हैं, तो यहाँ पर जो करेक्शंस हैं उसमें अगर आप लोकल अट्रैक्शन कहाँ पर है और कहाँ नहीं है ये मालूम करना चाह रहे हैं और बेयरिंग्स को सही करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरीके से मालूम कीजिए। और जब इसके ताल्लुक से ट्रैवर्स के ऊपर जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे उस वक्त तफसील के साथ ये चीज़ हम पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक यहाँ पर है, इसके बाद आगे का हम टॉपिक पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जो है आपके होल सर्कल बेयरिंग और क्वाड्रेंटल बेयरिंग में कैसा उसमें रिलेशन है, कैसा इक्वेशन फॉर्म हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये हम पिछले क्लास में हम सीखे थे। अगर आप वो चीज़ नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो हमारा ज़रूर देखिए। अभी हम इसके ऊपर एक एग्ज़ाम्पल प्रॉब्लम करेंगे जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से ये काम होता है। तो अभी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो वैल्यूज़ जो अभी हम आपको लिखा रहे हैं वो वैल्यूज़ क्वाड्रेंटल सिस्टम में दिए गए हैं, यानी कि रेडियस बेयरिंग सिस्टम में दिए गए हैं, रेडियस बेयरिंग दिए गए हैं या क्वाड्रेंटल बेयरिंग दी गई है, इसमें कन्फ्यूज़ मत होइए, क्वाड्रेंटल बेयरिंग रेडियस बेयरिंग एक ही मतलब है, और इसको होल सर्कल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्वाड्रेंटल बेयरिंग, क्वाड्रेंटल बेयरिंग या रेडियस बेयरिंग ऑफ लाइन OA, सेकेंड OB, क्वाड्रेंटल बेयरिंग और रेडियस बेयरिंग ऑफ लाइन OC, क्वाड्रेंटल बेयरिंग और रेडियस बेयरिंग ऑफ लाइन OD। ये कितना है वैल्यू, नॉर्थ 45 डिग्रीज 15 मिनट्स ईस्ट, ओबी का कितना है साउथ 45 डिग्रीज 20 मिनट्स ईस्ट, ओसी का कितना है साउथ 10 डिग्रीज 45 मिनट्स वेस्ट, ओडी का कितना है नॉर्थ 50 डिग्रीज 15 मिनट्स वेस्ट। ये वैल्यूज दे दिए गए हैं। अब हमको क्या मालूम करना है, होल सर्कल बेयरिंग मालूम करना है, होल सर्कल बेयरिंग, इसका होल सर्कल बेयरिंग, इसका होल सर्कल बेयरिंग, इसका और इसका मालूम करके लिखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, फर्स्ट लेते हैं OA, स्टेशन O है, ये स्टेशन O है। अब OA कितना है 45 डिग्रीज 15 मिनट्स, ठीक है OA फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब आपको पिछला वीडियो देखना है, फिर फार्मूला जो मैं आपको लिखाया था वो आपको देख लेना है पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी बेयरिंग है वही बेयरिंग रहेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेडियस बेयरिंग फुल सर्कल बेयरिंग एक ही रहेगी, सिर्फ क्वाड्रेंट्स हम निकाल देंगे। ठीक है, 45 डिग्रीज 15 मिनट्स, नॉर्थ ईस्ट था, नॉर्थ ईस्ट हमने लिख दें, बस खत्म, यही आंसर है इसका, हो गया। अच्छी बात, अब
ओबी 45 डिग्री 20 मिनट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट 45 डिग्रीज 20 मिनट्स, ठीक है, ये बेरिंग है। अब हमको कौन सा बेरिंग चाहिए, हमको ये वाला बेरिंग चाहिए, ठीक है। अगर आप ये देख लिए हैं तो ये मैं उसको मिटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, हमको ये वाला बेरिंग है, ये वाला बेरिंग चाहिए, ठीक है। ये आपका होल सर्कल बेरिंग है, ये लाइन का ओ बी का ये दिया गया है ऐसा। तो क्या करना है, 180 में से ये वाला बेरिंग निकाल देंगे तो ये वाला बेरिंग बच जाएगा, ठीक है। होल सर्कल बेरिंग ऑफ लाइन, होल सर्कल बेरिंग ऑफ लाइन ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 45 डिग्रीज 20 मिनट्स, ठीक है। ये कितना होता, 134 डिग्रीज 40 मिनट्स, क्या लिख दीजिए आप, 134 डिग्रीज 40 मिनट्स, ये बात हो गई। उसके बाद अब क्या है, ओसी का कितना है, साउथ वेस्ट 10 डिग्रीज 45 मिनट्स, ये वाला बेरिंग दिए 10 डिग्रीज 45 मिनट्स। ये ओसी क्या चाहिए, ये वाला बेरिंग चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे, 180 डिग्रीज ऐड कर देंगे, इसमें 180 डिग्रीज ऐड कर देंगे तो ये वाला बेरिंग हो जाएगा। तो होल सर्कल बेरिंग ऑफ लाइन ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज प्लस रिड्यूस बेरिंग, ये क्या था, 180 डिग्रीज माइनस रिड्यूस बेरिंग था ऊपर वाला, ये प्लस रिड्यूस बेरिंग, 180 डिग्रीज प्लस 10 डिग्रीज 45 मिनट्स, 190 डिग्रीज 45 मिनट्स होता है, 190 डिग्रीज 45 मिनट्स, यहाँ लिख देंगे 190 डिग्रीज 45 मिनट्स, ठीक है। ये भी आप समझ गए हैं, तो फिर हम और आगे बढ़ते हैं। ओडी नॉर्थ वेस्ट 50 डिग्रीज, ये 50 डिग्रीज 15 मिनट्स, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको उधर वाला चाहिए। तो हम अगर 360 डिग्रीज में से ये वाला बेरिंग निकाल देंगे तो ये वाला बेरिंग बच जाएगा। तो होल सर्कल बेरिंग ऑफ लाइन ओ डी इज इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस रेड्यूस बेरिंग, 360 डिग्रीज माइनस 50 डिग्रीज 15 मिनट्स, ठीक है। ये होता है 309 डिग्रीज 45 मिनट्स। तो आप पहले फार्मूला लिखना है, क्योंकि फर्स्ट का सेम था इसलिए मैं रख दिया वहाँ पे। सेकंड से देखिए आप, 180 डिग्रीज माइनस रिड्यूस बेरिंग, 180 डिग्रीज माइनस रिड्यूस बेरिंग, फार्मूला पहले सॉल्यूशन बाद में, इस तरीके से आप कर लेंगे। ये भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 309 डिग्रीज 45 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं, जो बेरिंग्स हैं, वो रिड्यूस बेरिंग में दे दिया गया था, हम उसको होल सर्कल में कन्वर्ट कर दिए। तो फार्मूला पहले लिखना है, सॉल्यूशन बाद में करना है, फिर आंसर लिख देना। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है, ये रिड्यूस बेरिंग में वैल्यूज़ हैं और उसको कन्वर्ट कर दिया गया है होल सर्कल बेरिंग में।
तो ये आप लोग देखिए स्टूडेंट्स, देखिए आप एक और एक प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे होल सर्कल बेयरिंग दे दिया गया है, रेडियस बेयरिंग मालूम करना है। होल सर्कल बेयरिंग ऑफ लाइन ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी दे दिया गया है, ठीक है। अब होल सर्कल बेयरिंग ऑफ लाइन ओ ए 78 डिग्रीज 20 मिनट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए आप, रेडियस बेयरिंग इज इक्वल टू होल सर्कल बेयरिंग, ठीक है। यही चीज रहेगी, सिर्फ आप क्वाड्रेंट लिख देंगे, नॉर्थ 78 डिग्रीज 20 मिनट्स ईस्ट। इसके बाद अब ओबी 130 डिग्रीज 30 मिनट्स, ये है ओ बी। हमको क्या चाहिए? ऐसा ये चाहिए। तो क्या करेंगे, 180 में से 180 में से अगर ये वाला बेयरिंग निकाल देंगे तो ये वाला बेयरिंग बच जाएगा। अब यहाँ पे एक और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा जो आपके काम की है कि जो फार्मूलाज है रेड्यूस बेयरिंग और होल सर्कल बेयरिंग के बीच में जो फार्मूलाज हैं कन्वर्जेंस के, वो अगर आपको याद नहीं भी हैं कोई मसला नहीं है, आप फिगर डाल दीजिए, फार्मूला खुद ब खुद आपको याद आ जाएगा। जैसा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रिलेशन है, आपको नहीं मालूम, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको रेड्यूस बेयरिंग इज इक्वल टू फार्मूला याद नहीं आ रहा। तो यहाँ देखिए आप टोटल 180 में से अगर हम होल सर्कल बेयरिंग निकाल देंगे तो ये बच जाएगा ना, यही बचेगा ना, इसीलिए होल रेडियस बेयरिंग क्या हो जाएगा, 180 डिग्रीज माइनस होल सर्कल बेयरिंग, ठीक है। इस तरीके से आप फार्मूला जनरेट कर ले सकते हैं, याद करने की कोई हाजत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आप, 180 डिग्रीज माइनस होल सर्कल बेयरिंग कितना है, 130 डिग्रीज 30 मिनट्स। आंसर क्या है कैलकुलेटर में कीजिए, 49 डिग्रीज 30 मिनट्स। अब ये कैसा लिखेंगे, साउथ ईस्ट है, साउथ 49 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट, ऐसा हो गया, ये भी हो चुका है। अब इसके बाद क्या है, ओसी 280 डिग्रीज 280 डिग्रीज मतलब 270 से ऊपर है, 280 डिग्रीज, ठीक है। हम बहुत सारा बेयरिंग चाहिए, ये वाला बेयरिंग चाहिए, इसको क्या करेंगे हम 360 में से ये निकाल देंगे, रेडियस बेयरिंग इज इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस होल सर्कल बेयरिंग, 360 डिग्रीज माइनस 280 डिग्रीज 30 मिनट्स इज इक्वल टू 79 डिग्रीज 30 मिनट्स, नॉर्थ 79 डिग्रीज 30 मिनट्स वेस्ट। ये वाला बेयरिंग भी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, तो सेम फार्मूला रहेगा। तो रेडियस बेयरिंग इज इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस 305 डिग्रीज 40 मिनट्स, ये क्या हो जाएगा, 54 डिग्रीज 20 मिनट्स, नॉर्थ 54 डिग्रीज 20 मिनट्स वेस्ट। अब प्रॉब्लम में
थर्ड क्वाड्रेंट का नहीं दिया है, मगर एक लाइन ले लेंगे हम समझने के लिए. फॉर एग्जांपल ओ ई अगर है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि 210 डिग्रीज 20 मिनट्स अगर है, ठीक है, तो क्या हुआ, या 0 मिनट है. अब क्या है, ये क्या है, होल सर्कल बेरिंग, तो रेडियस बेरिंग क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये दे दिया गया है और ये मालूम करना है, तो इसमें से ये निकाल देना. रेडियस बेरिंग क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, रेडियस बेरिंग इज इक्वल टू होल सर्कल बेरिंग माइनस 180 डिग्रीज. होल सर्कल बेरिंग क्या है, होल सर्कल बेरिंग क्या है, 210 डिग्री 0 मिनट्स में से 180 डिग्री निकालना. ये क्या होता है 30 डिग्री. इस तरीके से रेडियस बेरिंग क्या हो जाएगा 30 डिग्रीज. कैसा हो जाएगा ये रेडियस बेरिंग इज इक्वल टू साउथ 30 डिग्रीज 0 मिनट्स वेस्ट. इस तरीके से यहाँ पे भी अगर आप लिख देंगे ओ ई जो है 210 डिग्रीज 0 मिनट्स अगर है, तो रेडियस बेरिंग क्या है साउथ 30 डिग्रीज 0 मिनट्स वेस्ट. हाँ, तो स्टूडेंट्स आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, जैसा कि आपके फोर बेरिंग बैक बेरिंग है और लोकल अट्रैक्शन है और होल सर्कल बेरिंग से रेडियस बेरिंग, रेडियस बेरिंग से होल सर्कल बेरिंग, ये चीज़ें हैं, इस पे हम प्रॉब्लम भी किए हैं और इस टॉपिक्स को और बेहतर अंदाज से समझने की कोशिश किए हैं. उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी. अगले क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी. शुक्रिया.